एक राजपूत बहू जी कितने है हो, बड़े दिनों का इंतजार करा था, खैरियत थी है ना? जी भाई, खैरियत ही है फिलहाल। था हुआ क्या? अरे जी किधर थे भाई? इनसे सब ठीक है ना? हाँ भाई, सब अभी अब ठीक है, सब कुछ सही है। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी तो अभी तो लगभग ठीक है सब। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच। दी मैं खुद, यार मेरी आवाज़ आ रही है पहले नहीं आ रही आपको सही से, क्योंकि मेरे पास इस टाइम ना कोई माइक है ना कुछ है, तो शायद पता नहीं मुझे कि आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही। वैसे मैंने ब्लूटूथ वाले ही जो होते हैं बड्स लगाए हैं, मुझे ये नहीं पता कि आवाज़ यहाँ से जाएगी या मेरे फ़ोन वाले माइक से जाएगी, ये चीज़ नहीं पता है मुझे। ओंकार जी आ रही है आवाज़, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू ओंकार जी कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सुरिंदर जी। यहाँ मेरे पास में एक्चुअली में ना माइक है ना सेटअप करने के लिए कुछ है ढंग का कुछ, तो इसलिए मेरे ख्याल से वीडियो भी टेढ़ी आ रही है, मेरी स्क्रीन पर भी मुझे जो दिख रही है वो टेढ़ी दिख रही है, तो घर पर हूँ इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। बट चुन मछली थी लाइव फिर जाने की, आप लोगों से बात करने की। कुछ वैसी प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, तो इस वजह से नहीं कर पाया आ नहीं, मतलब वीडियो वगैरह या लाइव वगैरह नहीं कर पाया था। बट अब देखो धीरे धीरे कोशिश करके करेंगे, फिर से रूटीन में आने की कोशिश करेंगे। और आज जो सी ये लाइव भी है यार, ये लाइव मैं आपको सीरियसली बताऊँ ना, तो आप लोगों के सजेशन के लिए ही मैंने करी है कि अभी भी शायद हो सकता है कि कुछ टाइम तक मैं ना ऑफिस जा पाऊँ या फिर ना कर पाऊँ ढंग से काम, तो वीडियोस वगैरह बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ कह रहा था कि जो वीडियोस घर पर बैठ के बन सकती है, जो कि कुछ सेटिंग्स की वीडियो है या कोई भी नॉलेजेबल वीडियो जो कि आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो अगर ऐसे आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप वो मुझे बताइएगा, तो मैं घर पर ही कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से घर पर बैठ कर ही वो वाली वीडियोज़ बनाता रहूँ। प्रोडक्ट्स दिखाने वाली जो वीडियोज़ है वो शायद थोड़े टाइम तक ना कर पाऊँ, तो इसलिए ऐसा सजेशन आप दीजिए जिससे कि पता लग, मतलब कि घर बैठ के मैं कर सकूं। बरोबर है जी, थैंक यू जी। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है भाई। सर ऐसे ही आएगी अभी देव जी, मेरे पास कोई सेटअप वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर पर ही हूँ मैं, तो इस वजह से नहीं आ पाएगी। मतलब लाइट ऑन करनी पड़ेगी यार तुमको, ऐसे चलेगी नहीं। एक्चुअली मैंने ये हमारा बेटा जी लगे हुए हैं प्रोजेक्टर पे गेम खेलने, तो लाइटें कम जला रखी थी। अब तेरे को दिख रहा है? दिख जाएगा, तो इस वजह से थोड़ी सी वो थी। और बाकी माइक वो नहीं है मेरे पास में, जो माइक नहीं है अभी, तो उस वजह से भी आवाज़ थोड़ी सी आपको ऐसी ही आ रही होगी।
जी गुड इवनिंग अमित भाई, काफ़ी टाइम बाद यूट्यूब पर वापस आए हो, मैं कैसे आ गया आपके। डॉक्टर जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, आप बताइए आप कैसे हैं। आयुष गेमिंग बात, अच्छा आप कैसे हो सर। आयुष जी मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं। एटमॉस के बारे में बताइए, देव जी बताइए सर क्या पूछना चाहते हैं एटमॉस के बारे में। रोनल जी मैं बढ़िया हूँ, आपकी वीडियो का वेट यार नज़र भी नहीं आ रहा मुझे तो, मेरी आँखें भी मेरा तो कमज़ोर हो गई हैं यार, वेट कर। बस यार कोशिश करूँगा यार आपकी वीडियोस वगैरह जो है वो दोबारा से रूटीन में आनी शुरू हों, बट उसके लिए सजेशंस आप लोगों के चाहिए तो वो बताएंगे आप तो सही रहेगा कि कोई भी टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं या आपको लगता है इसके ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए या लोगों को जानना चाहिए जिस बारे में। कुछ तो टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिए थे पहले, जो कि क्वेरीज वगैरह आती हैं मेरे पास में। बाकी जो टॉपिक्स आप पूछना चाहते हैं वो भी आप बताइएगा मेरे को, तो मैं उसको भी कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की, कि घर बैठ कर एटलीस्ट उन वो वीडियोस तो बना ही सकूँ। पोल्क S50 या पोल्क S55, देव जी दोनों मॉडल देखो सही है, अच्छे मॉडल हैं दोनों, बट अगर एक टेक्निकली देखा जाए एक सेंसेबल चीज़ की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, देखो वैसे तो देखो मैं भी सेलर हूँ तो सेलर ये चीज़ कभी नहीं कहेगा कि ये मत खरीदो या वो मत खरीदो, बट फिर भी देखो जो S50 है और S55 है ना उसमें सिर्फ फ़र्क है पावर हैंडलिंग का। जो हमारी S55 है उसकी पावर हैंडलिंग है आई थिंक 250 है या फिर 200 है, मेरे को याद नहीं है, मतलब कि उससे 50 से ज़्यादा है, बट उसे लेने का बेनिफिट देखो तब है अगर आपका AVR इतनी पावर आपको देता है। अगर आपका AVR मान लो 100 वाट की पावर ही निकालता है, मैक्सिमम जो उसकी आउटपुट है वो 100 वाट्स की है, तो आप अगर S50 लगाते हैं तब उसके लिए भी वो 100 वाट्स सफिशियंट आ रही है, और अगर आप उसे आप कर देते हैं मूव S55 पे तो 55 पे लगाने की ज़रूरत क्या है, जब आपके पास में उतनी पावर ही नहीं आनी है तो आपको 55 लेने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि प्राइस में भी फ़र्क है 20,000 के आसपास का फ़र्क है प्राइस के अंदर। अरविंद जी भाई होम थिएटर कौन सा अच्छा है बताएं। अरविंद भाई देखो होम थिएटर तो बहुत से हैं, अभी डिपेंड करता है कि आप क्या स्पेसिफिकेशन चाहते हैं, आपका बजट कितना है, आपके रूम का साइज़ क्या है, क्या फीचर्स वगैरह जो भी होते हैं आपको क्या क्या चाहिए, तो उन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। बढ़िया की बात अगर करें तो एवीआर तो इस टाइम देखो डेनन और मरांड्स का ही मिल रहा है, और कोई एवीआर है ही नहीं है इस टाइम मार्केट में, और डेनन और मरांड्स से भी इस टाइम आत करी हुई है बिल्कुल कि MRP के ऊपर माल हमें उठाना पड़ रहा है इस टाइम। ओंकार जी भाई जो AVR की प्राइस इतनी बड़ी है कब डाउन आएगी, भाई इसके बारे में ओंकार भाई कुछ नहीं कह सकते, और पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी। मैंने जैसा अभी आपको बताया ना कि हमें खुद इस टाइम MRP के ऊपर माल खरीदना पड़ रहा है, तो अब आप खुद सोच लो कि कैसे काम कर रहे होंगे। डेनन 1600H के लिए S50 ठीक रहेगा। हाँ जी सर देव जी S50 सही रहेगा, अभी S50 नहीं आ रहा बट मेरे पास में स्टॉक में है वैसे S50, बट वैसे S50 बंद हो गया है, अभी ES50 आ रहा है जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने, और फ़र्क तो दोनों में कुछ भी नहीं है, ना के बराबर ही है फ़र्क, बस शक्ल में थोड़ा सा उन्होंने फ़र्क कर दिया है, बट मेरे हिसाब से तो जो 50 है हमारा उसकी लुक जो S50 है उसकी लुक ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को, बाकी आपकी खुद की चॉइस है।
बबलू जी हाय सर कैसे हो। हेलो सर बबलू जी कैसे हैं आप। बढ़िया आप बताइए आप कैसे हैं। मैं तो ठीक हूँ। अरविंद जी भाई यार सही में नजरें भी आंखें भी कमजोर हो गई हैं यार इसमें मेरी। भाई आपसे कांटेक्ट कैसे करें। सर मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ पर मेरे को लिंक है जो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। जो भी आप पूछना चाहते हैं कुछ भी जानना चाहते हैं वहाँ पर आप उन्हें बताइएगा वो आपको उसका जवाब दे देंगे। अगर उनके बस की बात नहीं होगी तब फिर वो मुझसे पूछ कर आपको जवाब दे देंगे उसका। कि मैं अभी जा नहीं रहा हूँ ऑफिस वगैरह तो इसलिए आप फिलहाल उनसे बात कीजिए। क्या नाम से ऑडियो गुरुजी 85 इंस्टा का हैंडल है जो लॉजिटेक ZNL सराउंड साउंड सिस्टम चाहिए। और गुरुजी सर ऑनलाइन ही चेक करना पड़ेगा आपको वहीं मिलेगा बाकी वैसे तो कहीं नहीं मिलेगा इस टाइम आपको। और अगर ओपन पीस चाहिए तो ओपन बॉक्स पीस जो रिव्यू यूनिट्स होता है वो चाहिए तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। थोड़ा सा यूज किया हुआ है बट वो एसी क्यों बंद हो रहा है। नहीं हो रहा चले दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ जो लगा हुआ है दिख रहा है। क्या दिख रहा है मेरे को तो कुछ नजर आ रहा है। गाड़ी है ये ट्रक है ये गाड़ी यूज में हो तो भी चलेगा सर। सर यूज में तो नहीं है ओपन पीस मतलब ओपन बॉक्स जो होता है रिव्यू यूनिट होता है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और उसमें चला ला के दिखाते हैं उसको खोल के दिखाते हैं जो बॉक्स में अनबॉक्सिंग वगैरह वो वाला यूनिट होगा। प्राइस पड़ेगा सर आपको 18,500 रुपये। वीडियोस के सजेशन दे दो यार मेन जिसके लिए आज लाइव करनी है।
करंटली 1600 फ्रंट के लिए कॉर्क S20 यूज कर रहा हूँ। S50 का अपग्रेड कैसे पर डालेगा, कैसे पर डालेगा सर? जब छोटे स्पीकर से बड़े स्पीकर में आप जाते हो, मूव करते हो, तो फर्क तो देखो आएगा ही, आपकी थ्रो का फर्क आएगा, कवरेज बढ़ जाती है, लाउडनेस बढ़ जाती है, एंड जो आपका स्वीट स्पॉट एरिया है, जो सबसे मेन जो इफेक्ट आता है वो आपका जो स्वीट स्पॉट एरिया है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है उसमें। किसी थिएटर रूम का टोन दे दो। अरे सर जी, जाना ही तो नहीं, जा ही तो नहीं सकता अभी कहीं पर, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अगर तो बाहर जा सकता फिर तो मेरे पास में इतने यूनिट्स अभी आए हुए हैं रिव्यू करना है जिनका, बट वही नहीं कर सकूंगा। घर पर बैठ के जो चीज़ हो सकती है बस वो। मेरा भी अभी थिएटर रूम तैयार नहीं है, खुद का भी, घर का भी, तो उसी का डाल देता। बस अभी प्रोजेक्टर भी जो है वो ऐसे रखा हुआ है आपके सामने, ये दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से लगाया हुआ है, सामने स्क्रीन लगी हुई है, बट ये अभी टांगा भी नहीं है, इसको भी ऐसे बेड पर रखा हुआ है अभी फिलहाल। हो रहा है ना, आया ना? पहले नहीं हो रहा लग रहा था। तो वर्थ रहेगा अपग्रेड करना S20 से? हाँ सर, आएगा, वर्थ ही है वैसे तो, इसमें तो नहीं है कोई डाउट ऐसा। बेस रिस्पॉन्स देव जी, बेस का तो देखो तब फर्क पड़ेगा, वो आपकी सेटिंग पे डिपेंड करता है कि आप सेटिंग कैसी रख रहे हो। अगर आप LFE पे चला रहे हो उसको तो इतना ज़्यादा आपको बेस में नहीं फर्क पता लगेगा, और अगर बेस में फर्क लेकर आना है आपने तो उसके लिए आपको अपने फ्रंट चैनल को एक तो लार्ज पर करना होगा, और उसके बाद में सब ओवर सेटिंग्स में जाकर वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा LFE और एक होगा LFE प्लस मेन। अगर आपको टावर स्पीकर में से भी बेस निकालना है तो आपने उसे LFE प्लस मेन पर करना है, तब उसमें बेस में आपको फर्क आएगा। विश्वजीत जी, अमित भाई बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, थैंक यू वेरी मच। अजीत भाई नहीं, सॉरी विश्वजीत भाई, सॉरी नाम अजीत बोल दिया। दांत तुड़वा की मजा आया दांत तुड़वा की? नहीं है, दिखा दे, दिखाइयो। बाथरूम में गिर गया यार, दो दांत तुड़वा बैठा अगले अपने, दिखाइयो, दो दांत तुड़वा दिया अगले। अमित बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी करने नहीं करते यार, पता करूंगा एक बारी कि क्या है इसमें मसला। बजाज फाइनेंस का अगर आपका यार कार्ड बना हुआ है तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप उससे पेमेंट आई थिंक करोगे तो ऐसा हो सकता होगा, आई एम नॉट श्योर, बट अगर तो बजाज का जो कार्ड है वो भी क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है तब तो आप कर सकते हो, बट मैं पता करूंगा एक बार इसका भी, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे कि बजाज फाइनेंस का है आपके पास में इंटरनेट। कर दीजिए अगर उठाना है आज देखिए, मैं पता करके बताऊंगा आपको एक बार उसका, बाकी एक बार आप ट्राई कीजिएगा, मेरे को ऐसे पता नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर तो नॉर्मली कार्ड की तरह ही काम करता है बजाज का जो कार्ड होता है, कि जैसे मैं आपको अगर लिंक भेजता हूँ तो आप अगर लिंक से पेमेंट करते हैं उसमें तो हो जाती है, अगर फिर तो कोई इशू ही नहीं है उसका, वो आप इंस्टॉलमेंट बन जाएगी आपकी। वहाँ अजहर टेक्नो गेमिंग आए, अजहर जी हेलो, कैसे हो?
मुझे लेना है S60 सॉरी S50। ठीक ठीक है देव जी, कोई इशू नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा, नंबर तो मेरे ख्याल से आपके पास है मेरा। देवी एक बार इंस्टाग्राम पर प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर आपको नंबर दे देंगे। नंबर आपको मिल जाएगा ना, तो एक बार मुझे मैसेज भी करके आप एक बार ही कंफर्म चेक करके देख लेंगे उसको। एक 100 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन आप कर लेना कि पता लग जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा एक 100 रुपीज़ का, तो उससे आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। वो 100 रुपीज़ में आपको वापसी दे दूंगा किसी भी अकाउंट में जो भी आप दोगे मुझे उसमें। ये आपका मैसेज मुझे आ गया है इंस्टा पर, ठीक है। मैं अभी ये ख़त्म होता है ना लाइव, तो उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। यहाँ पर भी मैं इंस्टाग्राम मैंने डाला तो हुआ था शायद, यहाँ पर भी मगर है नहीं। चलो आपको मैं अभी लाइव के बाद मैसेज भेज दूँ, या हो सकता है अभी लाइव करते करते मेरी कुलीग अगर देख ले तो आपको वही भेज देगी अपने आप। अजहर जी कोई यूज पे सेंटर स्पीकर है क्या? यार सेंटर स्पीकर आज भी 4 लोगों ने मांग लिया मुझसे। यार भाई सेंटर स्पीकर है तो सही है, मेरे को मगर ध्यान में नहीं है कौन कौन से हैं। एक तो देखो इलेक का है, एक डाली का है, एंड एक डेफिनेटिव टेक्नोलॉजी है, और है एक उसका मार्टिन लॉगिन है, और भी शायद एक आधा होगा, सेकेंड में मेरे को ध्यान में नहीं है। सेंड किया हो कोई स्टॉप इट? हाँ जी हाँ सर दे भाई, ठीक है अभी आ गया, वो देख लिया मैंने आ गया था, तो अभी ये लाइव खत्म होता है ना तो उसके बाद में मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ वहाँ पर। वहाँ पर बैठेगा तो देखेगा कि वो प्रोजेक्टर के आगे नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ नहीं बैठा, नहीं बैठा जाएगा बाबू, यहाँ पे बीच में आएगा क्या? क्या बैठा नहीं जा रहा वहाँ पे? इधर आ जाना, इधर आके बैठ जा, मैं उधर हो जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है इधर बैठ के वहाँ पे प्रोजेक्टर के आगे बैठ जाएगा तो देखिएगा कैसे। अगली बार ये प्रोजेक्टर लेंगे ना दूसरा वाला लेंगे जो वहाँ पे रख देते हैं बीच में, जो मर्जी आ जाओ कोई फर्क नहीं, महंगा बहुत है 4.5 लाख रुपये। विश्व जी जी अमित भाई पूरी बात बताएं, क्या दिक्कत हुई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, अभी कैसे है आप? सर एक्सीडेंट कैसे हुआ वो ये था कि लिफ्ट गिर गई थी,
जो कंस्ट्रक्शन लिफ्ट होती है ना वो गिर गई थी, तो उस वजह से। बाकी डिटेल यहाँ पर बताना सही नहीं है आपको, मैं वैसे बाद में, आपके पास नंबर है मेरे ख्याल से मेरा, तो आप फोन कर सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो, फिर आराम से बात कर लेंगे आप, थोड़ा कर लीजिए। हाँ देव जी मैं अभी कर दूंगा जैसे ये खत्म होता है, क्योंकि एक्चुअली मेरे फोन पर अभी ये लाइव चल रहा है, तो लाइव खत्म करता हूँ ना फिर मैं आपको वो कर दूंगा, मैसेज भेज दूंगा अगर वहां से नहीं भी आता तो। इलेक कौन सा है? इलेक का भाई मेरे को मॉडल नंबर तो याद नहीं है, मेरे ख्याल से FS 58 शायद, तो FS तो फ्लोर स्टैंडिंग होता है, नहीं वो टावर स्पीकर है, मतलब उसी सीरीज का ही है, अभी मेरे को उसका मॉडल याद नहीं है, क्या CC 58 है या ऐसे ही कुछ है यार, याद भी नहीं है, ध्यान ही नहीं है। बबलू जी सर सैटेलाइट स्पीकर है क्या 5.0 में यूज में या डेमो यूनिट? यार यूज्ड में एक तो देखो जी हमारे पास में 5.0 मांग रही हो ना, हाँ 5.0 में एक तो वाटफाडेल के मिल जाएंगे आपको, बट वो 4 ओम्स के हैं, तो आप अपना AVR देख लेना पहले, 4 ओम्स को सपोर्ट करता है नहीं करता, तो एक तो वो है, और 5.0 में फोकल है, फोकल के मिल जाएंगे, और कौन सी है, इलेक के सिनेमा 12 है, वो यूज में नहीं है, वो ब्रांड न्यू है, बट वो सबवूफर के साथ आते हैं, बट मेरे पास में सबवूफर नहीं है, वो मेरे पास अलग से किसी को देना था, तो मेरे पास में यूनिट था नहीं, इसलिए मेरे को उसमें से निकाल के देना पड़ा। अभी उसका MRP जो है वो कम से कम 15,000 रुपये बढ़ चुका है, मेरे पास में जो पड़ा है वो पुराने MRP वाला ही है, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो पुराने MRP के हिसाब से ही आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे उसके खाने। आज एक वीडियो में देख रहा था, एक बंदे ने बनाई, उसमें अच्छा चैनल है, मतलब 6.5 लाख फॉलोवर्स थे वहाँ पर, सब्सक्राइबर्स सॉरी, तो एटमॉस के ऊपर वो वीडियो बनाई है बंदे ने, और पता नहीं कहाँ से उसने वो पढ़ा है, उसको क्या किया है, क्या बोल रहा है वो बंदा, मतलब कि यार यूट्यूबर्स को भी है ना ऐसे बस वीडियो बनाने से मतलब है कि वीडियो बन जानी चाहिए बस, और जितने चैनल अच्छे हैं मतलब कि जो बड़े चैनल हैं जिनके अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उनको खासकर, तो उन्हें पता है कि यार एक वीडियो बनेगी कम से कम 2-3 लाख 4 लाख व्यूज तो आ ही जाते हैं, तो इतने में अच्छी कमाई हो जाती है, बस एक वीडियो बना दो बस फटाफट। रागिनी जी हमें तो मरांड्स को ही थिएटर में लगा दिया, तो ठीक किया रागिनी जी आपने, मरांड्स को थिएटर में लगा दिया, हाँ तो सही है, मरांड्स के एवीआर अच्छे होते हैं, थिएटर के लिए ही बने हैं वो। बल्लू जी फोकल का क्या रेट में है और कितने ओम्स के हैं? बोलू जी फोकल के रेट आपको पड़ेगा 25,000 रुपीस के 5 स्पीकर्स, और वो 8 ओम्स में होंगे, बढ़िया साउंड एंड क्वालिटी है, बिल्कुल रख लीजिए बिल्कुल होगी। कौन सा मॉडल लगाया है वैसे आपने? 6 ओम सही है यार, 6 तो नहीं होंगे वो, मेरे हिसाब से 8 ओम भी होंगे, बट ओम्स ज्यादा होना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी AVRs चलाते हैं उसको। एक बार थी एयरटेल एक्सट्रीम को आवाज़ कम आती है, तो हो सकता है उनका पीछे से जो आउटपुट उनको आ रही है उसकी वही कम हो, तो कोई इशू नहीं है ऐसा, ये आप ये तो पीछे से जैसा सोर्स आपको मिल रहा है वो हो सकता है कि वहाँ से कम मिलता हो, ऑडियो कम आता हो। शुक्ला जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, घर के लिए 150,000 की के लिए सेटअप सर 50K में तो नहीं बन पाएगा आपका, क्योंकि इस टाइम मिनिमम AVR ही 50,000 रुपीज़ का आ रहा है,
साथ में आप स्पीकर लेते हैं तो उसके पैसे अलग लगते हैं। तो मिनिमम जो सा पैकेज आपका बनता है वो तकरीबन अप्रॉक्स बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, 80,000 के आसपास का बनेगा सर। क्या करें, करने का तो ऐसा देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ आप वॉल्यूम अगर पीछे से कम आ रहा है तो आप अपने एवीआर का वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, तो बस यही कर सकते हैं आप कि अगर उसकी पीछे से आउटपुट ही कम है उसमें तो उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ वॉल्यूम को और बढ़ाने के अलावा। शुक्ला जी, 1,00,000 में क्या मिलेगा जो आप अभी 80 के बताएं? सर इसमें देखो आपको डेलिन का 550 बीटी एवीआर आएगा, आपका 5.2 चैनल एवीआर है वो, एंड उसके साथ में आप स्पीकर्स में बहुत सारी वैरायटीज हैं तो वो अलग अलग प्राइजेस के हैं। आपको मैं कुछ ऑप्शंस ऐसे बता देता हूँ, देखिए पोल्क ऑडियो का TL1600 है वो मिल जाएगा आपको उसके अंदर, मतलब ये सभी अंडर 1,00,000 आएंगे आपके तो वो है। और उसके अलावा अगर आप जाते हैं तो आपको सिनेमा वो मैग्नेट का सिनेमा स्टार मिल जाएगा, और उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको मिलता है जी मिशन के एम क्यूब्स हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हाँ जी, कैसे आना हुआ? ठीक, कैसे हो? ठीक हो, आ जाओ। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये मैं अपने दोस्तों से बातें कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? हेलो करते हेलो, कैसे हो सब? फोटो नहीं खींच रहा, मेरे जो दोस्त है ना, फ्रेंड्स है मेरे, उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे वो लिख के मेरे को बता रहे हैं, है ना, तो फिर मैं पढ़कर उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ उनको। ठीक है, कौन कर रहे हैं? वो मामी का, मामी क्या कह रही? आज कहाँ घूमने गए थे? आज ही गेम खेलने में लगा हुआ है। ये नीचे ये कूल पैड, इसको ठंडा रखने के लिए। अच्छा, आज सबको अपना नाम बता दो। अरे मैं बताऊं क्या नाम है? मेरे को पता ही नहीं क्या नाम है मेरा, नहीं अपना नाम बता दे। देवजीत शर्मा नाम जिसका, शुक्ला जी जो आपको मैंने थोड़े से जो ऑप्शंस हैं वो बताएंगे, बाकी थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे तो अलग 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 करके काफी सारे ऑप्शंस आते रहेंगे। दरवाजा बंद कर देगा, कान पे लगाया होगा ना, आवाज मेरी जो जा रही है आप लोगों के पास आ रही है, यहाँ से जा रही है, फोन से जा रही है, ये कैसे पता लगेगा कि मैं यानी इसको कान पे लगा के बैठा हुआ? मेरा मतलब तो बेटर हूँ सर, जब मम्मी जा रही है नीचे जा तुम्हें? नहीं जा जा जा, गेम खेल के आता हूँ। गेम खेल के मेरे यार बैठा जाएगा, मेरे पीठ दुखने लग जाएगी ऐसे। अरे चले देख, गेम शुरू कर चुका हूँ, गेम खेलता हूँ, गेम खेल के आता हूँ, मेरे दर्द होने लग जाएगी फिर से। कहाँ बैठेगा ये जगह? पहले खत्म कर दूँ उसके बाद कितना प्राइस होगा? यार भाई असद भाई किस चीज का प्राइस पूछ रहे हो? मैंने ये भी बोल दिया, इलेक का प्राइस आप पूछ रहे हो आई थिंक, है ना? इलेक का सर आपको बैठेगा 18,000 रुपए का सर।
सेंटर स्पीकर अपने गाने शुरू हो गया इसको चार्जिंग में ला दो इसको चार्जिंग में लाओ लैपटॉप को नहीं हाँ ये लगाया हुआ है चार्जिंग में ये क्या है ये लगाया हुआ है ये क्या है ये तो वो है ये कौन है ये कौन है ये कौन है ये बीच में ये कौन है ये कौन है ये कौन है पानी तो कटी गया जो उनको पानी तो कटे उनको करते हैं चल जाना किसी को नहीं करना नहीं करना बोलते नहीं नहीं करना अच्छा करेगा मैं देखिए ये मेरा क्या लगता है ये बगीचा भांजा 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 मामा भांजा भांजा है मेरा ये गुगलो गुगलो सर अच्छा कर रहे हैं सर भवानी गड़ी है ठीक है सीधा बहू कहते हैं तीन तीन बंदे आ गए आज लाइव करने के लिए देखो कहाँ दो तीन महीनों से कोई भी आ रहा था आज आए तो आज तीन तीन बंदे लाइव पर आए चौसठ जीबीएल 120 4.1.2 एटमॉस वर्सेस एलजीबीएची साउंड थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें मुझे एक मिनट आप रुके तो मैं अभी ठीक है तो आपने यहाँ लिखा है जी A120 और LG SP11RA साउंड बार सर A120 तो इनके मॉनिटर स्पीकर्स होते हैं JBL के और इसके आगे अगर मैं आपके लिए लिख देता हूँ 4.1.2 तो कुछ आता है नहीं आता है सर ये आपने क्या पूछा है सवाल आपका कुछ समझ में नहीं आया मुझे काली जी इन्विडिया शील्ड अच्छा है या फिर कोई दूसरा लेना सही रहेगा इन्विडिया शील्ड एक अच्छा ऑप्शन है ऐसा नहीं है नहीं अच्छा और अच्छी चीज है वो आप ले सकते हो बाकी और भी ऑप्शंस तो काफी हैं देखिए बजट पे डिपेंड करता है कि आपने किस बजट में जाना चाहते हो हाँ जी चुप नहीं करना ना मैंने फिर बात जवाब कैसे दूंगा अभी वो बातें मेरे को पूछ रहे हैं ना उनके जवाब दे देना मुझे सबको ये आवाज जाने के लिए इससे आवाज जाएगी ना क्यों जाएगी अंदर अंदर नहीं जो मेरे फ्रेंड्स है ना उनको नहीं गुस्सा नहीं करना गुस्सा कर रहा देख लो आपको सबको गुस्सा नहीं करना फिर गुस्सा कर रहा गंदा हाँ जी तो ये मीडिया प्लेयर और भी हैं काफ़ी अच्छे अच्छे मीडिया प्लेयर आते हैं मतलब कि अच्छा ये भी इंडिया शील्ड भी अच्छा है ऐसा नहीं अच्छा नहीं है बाकी इसके अलावा जिपिटी है पॉपकॉर्न और है और बजट के हिसाब से देखिए अगर आप अच्छे पैसे खर्च करना चाहते हैं अच्छी चीज़ लेने के लिए तो आप जा सकते हैं अगर आपको एक बजट का मीडिया प्लेयर चाहिए तो इंडिया शील्ड इज गुड मेरी पेट तो भूल जाएगी यार ये ऊपर बैठ गया मेरे मेरे टन के रख दर्द होने से मीना शर्मा वॉइस नॉट क्लियर माइक नहीं लगाया हुआ यार इसलिए 15-13 हाँ तो ये आपका मरांड्स SR5013 जो है ये है तो एंट्री लेवल का मॉडल है बट बहुत अच्छा मॉडल है मतलब आवाज़ जो इसकी वॉइस क्वालिटी है काफी ज्यादा अच्छी है म्यूजिकल है काफी ये क्या होता है रागनी जी या है
रागनी जी है क्या है, बजट है या क्या है? नॉइस ज्यादा आ रही है यार, माइक नहीं है मेरे पास, मैं घर पर हूँ ना, मैं आपको बताया ना, माइक एक्चुअली में है तो सही यहाँ पर, बट वो यूएसबी वाला माइक है, वो मेरे इससे कनेक्ट ही नहीं होगा फोन पर, तो नेक्स्ट टाइम माइक का जुगाड़ हो जाएगा, कर लूंगा मैं, माइक यहाँ पर ले आऊंगा अपना, जो ऑफिस वाला माइक है जहाँ पे पहले हम करते थे बनाते थे वीडियोस, वो मैं लेके रख लूंगा यहाँ पर, या एक नया मंगा लूंगा, बोया का सस्ता क्या है नॉइस। हाँ यार ये फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, तो उसकी वजह से नॉइस ज्यादा आ रही है ना, फोन एक्चुअली में क्या है ना कि दूर हो जाता है, तो वो बाकी की आवाजें जो थी वो भी ज्यादा पकड़नी शुरू कर देता है, तो ये बाकी जाऊंगा इसके लिए, आगे की जो वीडियो रहेगी तब तक माइक का प्रॉपर जुगाड़ हो जाएगा, हो सकता है कि ऑफिस में ही बने, आगे से जो लाइव आए वो ऑफिस में आए। आज तो बस लाइव करना था मुझे, कि बहुत टाइम हो गया नहीं करा है, नहीं से हो रही थी मुझे, गुजरात में राजकोट आना हो तो जरूर बताना रुपेश जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, सर गुजरात में हमने बहुत काम किया है यार, मतलब आप लगा लो मेरे को याद भी नहीं है मुझे कि मैं कितना कितना काम कर चुका हूँ गुजरात का, गांधीनगर, राजकोट और पता नहीं कौन कौन सी जगह है, काफी सारी ठंडा है एक लाइव सेशन जी, हाँ जी रागनी जी, सैटरडे आए मेरे यार, सैटरडे के सैटरडे, पहले तो हर सैटरडे किया करते थे, बीच में कुछ काम वाम आ जाता था, कुछ आता था, जिस वजह से कैंसिल हो जाता था बीच में, अभी तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रही थी किसी प्रॉब्लम की वजह से, बट अभी कोशिश यही रहेगी कि हर सैटरडे लाइव आ जाए। जितेंद्र जी, ब्लू रे प्लेयर वर्सेस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग थॉट अ मीडिया प्लेयर थ्रो, ओके व्हिच वन इज बेटर ऑडियो एंड वीडियो? सर अगर आप ब्लू रे प्लेयर यूज कर रहे हो और उसमें ब्लू रे डिस्क को आप प्ले करते हो अगर, तो नेचुरल है कि उसकी जो आउटपुट आपको मिलेगी वो बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है अकॉर्डिंग टू किसी और, अगर आप मीडिया प्लेयर यूज करते हो कोई डाउनलोड फाइल चलाते हो उस पर, तो उससे काफी ज्यादा बेटर आती है उसकी। बबलू जी सर, मराठ से 6003 में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर, स्क्रीन पर और बबलू भाई, पहले तो सबसे पहले आप अपनी HDMI केबल को चेक करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है एक केबल की वजह से ही आती है। रागनी जी आपका चैनल बढ़िया है, वो इसीलिए बढ़िया है क्योंकि आप हिंदी में बात करते हो और बढ़िया एक्सप्लेन करते हो, थैंक्स रागनी जी। यही कमाई होती है बस मेरी, आप लोगों के जो ऐसे अच्छे अच्छे से कमेंट्स आते हैं यही है मेरी कमाई होती है। पांव गिर जाओगे नीचे, देखो बैठ के बैठो आराम से, हाँ वो भी भैया दे देगा, तो आज को बोलो दे देगा क्या, हाँ अभी आज ही देगा, ठंड लग रही है तो नीचे चले जाओगे, दुश्मन आ गए, बाहर ना जो है ना स्टोर बना हुआ है वहाँ पर है ना, एक ना बैग है मेरा का, नहीं है रहने दो, निकाल दिया था क्या बोल यार, ओडिसी माइक भी नहीं है घर पर, तो नवीन जी सर स्पीकर केबल स्टिल गेटिंग, सर अगर तब भी दिक्कत आ रही है आपको, आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज जो किया था नवीन जी, आप वही है ना,
इंस्टा पे भी एक मैसेज आया जितेंद्र जी अभिजीत एनन ने टूटती मिट्टी के साथ कौन सा स्पीकर सही रहेंगे 5.1 चैनल JBL क्यों लगाना चाहते हैं? JBL को एक बड़ा खूबसूरत सा नाम दिया गया, एक जो ना उसमें एक बंदे ने बड़ी सही नाम दिया था इसको, आज से कई साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि JBL को बोला था कि लाउड एंड जंक, मतलब बहुत लाउड होते हैं ये, बट आपकी बट JBL का सब मेरे माइंड में नहीं है ऐसा, आप बजट मुझे बता दीजिए और इंस्टा पे मैसेज भेज दीजिएगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पे मैं आप थोड़ा सा स्टडी करके आपको बता दूंगा। नवीन जीएसटी ओके ओके यार अगर फिर भी दिक्कत आ रही है आपके सर एवीआर चेक करवाओ फिर, एवीआर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? मार दिया है। एक बार ना रीसेट करके देख लो एवीआर। मार दिया है। शुक्ला जी अगर 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 थप्पड़ मारने मुझे गंदी बात, अगर 500 स्क्वायर फीट के बेडरूम सेटअप टोटल बनाना हो तो 2 लाख इंक्लूडिंग मीडिया प्लेयर प्रोजेक्टर, क्या मीडिया प्लेयर में ऑनलाइन ओटीटी और ऑफलाइन पॉसिबल है? सर 2 लाख के अंदर अगर आपने सेटअप करना है तो आपका 5.1 चैनल का सेटअप हो सकता है, बट 4 के प्रोजेक्टर नहीं आएगा इसके अंदर, आपका एचडी प्रोजेक्टर आएगा और 5.1 चैनल का सिस्टम आपका यहाँ लग सकता है। अच्छा मीडिया प्लेयर के लिए आप अगर जाते हैं तो बंद हो गया, क्या बंद हो गया? चल तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं जी आपके मीडिया प्लेयर की, तो मीडिया प्लेयर बहुत से हैं जो उनसे ओटीटी को भी लाइव मतलब कि ऑनलाइन भी चलाते हैं और ऑफलाइन दोनों काम करते हैं। ये लाइट है बाबू, जितेंद्र जी 50 के, जितेंद्र जी 50 के में क्या अच्छा बजट आपका 50 के का है तो JBL के अंदर यार सैटेलाइट्स तो कोई ऐसे आ नहीं रहे हैं, स्पीकर बुकशेल्फ्स आ रहे हैं या फिर वो है वो अगर 50 के से ऊपर चले जाएंगे आपके सब ऊपर भी लगाना है, तो बाकी एक जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरी मैं कईयों को दे भी चुका हूँ ये चीज़, 250 VT के साथ में पॉलकॉडियो के TL 1600 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नवीन जी इज इट अ प्रॉब्लम ट्विटर की दिक्कत? तो सर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप जो आपको प्रॉब्लम आ रही है जो नॉइस आ रही है वहां पर, तो वो आप एक बार चेक करें कि ट्विटर में से आ रही है सिर्फ या फिर पूरे स्पीकर में आ रही है। आपके फ्रंट चैनल है कौन सा वैसे आपका, मेरे को एक बार प्लीज बताना जरा। देव जी एक और बात करके देखो ओडिसी माइक, नहीं सर ये यूज तो मैंने किया हुआ है, अगर आपने मेरी इलाहाबाद वाली वीडियो देखी होगी ना तो उसमें मैंने ओडिसी माइक के साथ में पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी वो वाली, बट ओडिसी अभी मेरे पास में है नहीं है। और दूसरा क्या है कि ओडिसी में अगर आप फोन पे या कैमरा पे कनेक्ट करते हैं ना तो वो मोनो मोनो होता है, तो एक चैनल की आवाज रिकॉर्ड होती है, एक चैनल आपका ब्लैंक आता है, बट ये है कि उसको एडिटिंग के टाइम पे हम दोनों पे ले आते हैं, बट वैसे वो मोनो में रिकॉर्डिंग करता है। हाय अमित भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया है भाई, आप बताइए आप कैसे हैं?
सुरजीत जी विच प्री एम्पलीफायर विद प्री एम्पलीफायर ऊपर आउट एंड बैक इनसाइड सर 50,000 के अंदर बचे गए सिर्फ प्री एम्पलीफायर चाहिए आपको सर प्री एम्पलीफायर 50,000 के अंदर कोई भी नहीं आता सर चार्जिंग खत्म होगी इधर से क्या करते हैं ये हेडफोन लगाने के लिए नहीं इधर हाँ इधर हेडफोन क्या होते हैं इधर क्या लगते हैं कोई लगता है इसकी तार कहाँ है तार है नहीं तो जो हो गया बस खेल ली नहीं खेलेंगे खेल पहले मैं खेल भैया खेलेंगे आप देखो आप भी खेल मैं खेल लूँ आप पहले खेल दो थोड़ी सी भी भैया ठीक है अजी को दे देना फिर तो यार क्या देखता मैं करके मैं दे दिया शुक्ला जी 4K प्रोजेक्टर रेस्टोर फंक्शन से मैंने 100 इंच दिया सर 4K प्रोजेक्टर बेस्ट फोर सर ये तो 500 स्क्वायर फीट मत बताया करो कारपेट नहीं बिछाना हमने वहां पर कितने बाई कितने का रूम है ये बताया नहीं अल्लाह नहीं और मैक्सिमम 100 इंच की स्क्रीन चाहिए तो 4K के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे ऑप्टिमा है ऑप्टिमा में मेरा मैं खुद पर्सनली ये जो यूज करता हूं ऑप्टिमा का ही करता हूं अच्छा प्रोजेक्टर है क्या हो गया टाइप पर इन्हें अंदर बढ़ गया फिर ले वो ना ले लो क्या वो नहीं चलता खराब हो गया क्यों खराब हो गया शादी खत्म हो गई कल आएगी कल आएगी एकूस्टिक एनर्जी ये बैंडिंग था उन्हें एक्चुअली बैंड में प्लेइंग मूवी इन लिटिल एयर वॉल्यूम साउंड हैपेंस व्हेन देयर इज अ मैवी अ शॉर्ट मैवी तो क्या ये इतना इसमें अगर आपके बाइंग पोस्ट वो दे रखे हैं पीछे स्पीकर में बाइंटिंग वाले हैं मतलब चार हैं तो एक बार उनके बीच का जो कनेक्टर होता है उसको साफ करके ना दोबारा लगाओ उसकी वजह से हो सकता है अगर वहां पर बाय एम्पिंग का दिया हुआ है अगर सिंगल वाला भी दे रखा है तो तब भी कनेक्टर साफ कर लो एक बार ही में भी हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी वहां पर सॉर्ट आउट हो जाए उससे जितेंद्र जी पोल का डेमो देखना चाहता हूं सर करेंटली यूजिंग जेबीएल 5.1 सर डेमो मिलना तो देखो बड़ा मुश्किल है यहां पर बाकी आप कहां से हैं आप दिल्ली से ही हैं या कहां से हैं आप पराग पराग राम जी लॉजिटेक जेनरेटर के लेटेस्ट वर्जन आया है क्या सर नहीं सर कोई वर्जन नहीं आया अभी तक किसका चुप तू चुपो नहीं तू चुपो नहीं तू चुप आप तू चुप आप तू आप तू चुपो तब आप बेटा मामू को ना बोलने के पैसे मिलते हैं ये बड़ा गंदा बच्चा है ये जो है ना ये बीच में बड़ा गंदा बच्चा है ना इसका नाम है देवजीत शर्मा बहुत गंदा है ये नहीं करना कुछ अच्छा नहीं करना नहीं करना हाँ जितेंद्र जी दिल्ली लक्ष्मी नगर चुप रहो सर कोशिश करूंगा देखो डेमो लगाने की चुप रहूंगा तो फिर काम कैसे करूंगा नहीं करना नहीं नहीं उतारना नहीं है इसको बंद हो जाएगा अरे मामा चुप कर जा यार इधर से क्या कुछ नहीं होता तू मुंह बंद कर अपना चुप कर चुप करके बैठ मैं बाहर कर दूंगा कमरे से चुप करके बैठ जा अम्मा अम्मा क्या नहीं है अम्मा क्या नहीं है पीछे तो देखो मुझकी मुगरी नहीं है कोई मुगरी मुझकी नहीं है खत्म नहीं आ गई मुझे कहा अजीत जी जय हिंद भाई जय हिंद अजीत भाई क्या हाल चाल है आई एम ऑल्सो मिस यू यार आज इसीलिए बड़ी हिम्मत करके मैं कहा यार देखी जाएगी हालांकि बड़ी मुश्किल है अभी भी बैठना बैठना ये वो एक ये और ऊपर आके बैठ गया मेरे सर पेन की तो अभी ऐसे ही है बाकी पहले से काफी फर्क है अभी मंडे को पता लगेगा आगे का होता है GS it's my bigger actor which clean and check on it thank you sir by the way your feed is cute thank you very much sir ये मेरा बेटा है ये मेरा भतीजा है
आराम से बैठ जा, तू छित्तर खा लेगा मेरे को। यहाँ पीठ पर उससे सिर पे मारता हूँ मैं अपने। हाँ जी सर, नवीन भाई एक बार कर देखना फिर बताना जरा। प्रयाग राम जी घर पर मूवी देखने के लिए कहाँ से डाउनलोड करें? ये डाउनलोड वाले काम तो पता नहीं है, देखो काफी बात मुझे नहीं पता। डाउनलोड करने वाले की क्या जरूरत है, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतने मूवी आपको उसमें मिल जाती है। डाउनलोड की ले ले यार, तुम लोग क्या कह रहे थे? मैंने खेल ली आपकी बारी। अब आपकी बारी है, देखो कितना गुड बॉय है वो, क्या दे रहे हैं अब आपकी बारी। नन्नू भाई की बारी, नन्नू भाई की आज की बारी है। अम्मा वाला ले लो। नहीं उसको नहीं लूंगा। क्यों नहीं? वो खराब हो गए। शुक्ला जी 12 18 12 हाइट क्यों ना बोलो क्यों नहीं पढ़ूंगा? देखो काम भी तो करना है ना, गुड बॉय है ना तू मेरा, मेरा बच्चा है ना, पहला पहला मेरे पहला पहला बच्चा, मेरे पहला पहला बच्चा। आप कटिंग क्या पहले कटिंग क्या कटिंग करा दीजिए। ठीक है, मैं भी कहता हूँ। ठीक है, मैं आज कुछ कहता हूँ। आप जो लोग ही कहते हैं आप लोग ही क्यों, ये कौन सा कलर है बॉय का, कौन सा कितने प्यारे हैं, गंदे नहीं, अच्छे अच्छे। थैंक यू ये कौन सर आपका ऑप्टिमा लाइन का है? ये डालो ये डालो ये डालो सर। ठीक सर, ये अबे बस करते रहिए। ये लड़की जा इसको लेके जा नीचे लेके जा। एक लड़की पहनती है। हां तू नेल पॉलिश नहीं लगाता? नहीं लगाता है आप तू लगाता है, लड़का होके नेल पॉलिश लगाता है हैं? मैं लिपस्टिक भी लगाता हूं। लिपस्टिक भी लगाता हूं, बड़ी अच्छी बात है। अब चुप कर जा, मेरे को करने दे काम। नहीं प्लीज, छाड़ के जल्दी है यार, उसको मैं लेके जा इसको। नहीं मैं नहीं करूंगा, चुप करके बैठे हुए। अम्मा चली नहीं रही क्यों? सर आपके स्टूडियो में स्कोप है क्या? मैं वहाँ इधर देखो, स्कोप है क्या मतलब? आपका कोई मेडिकल कर दो जी सर, अभी है प्रॉब्लम चल रही है, फोटो इतना अभी है। अभी इसकी वो इसमें बैटरी नहीं है ना, इसकी अभी बैटरी डालेंगे इसमें, यहाँ बैटरी डालेंगे ना इसमें, तब चलता है ये ना। अच्छा ढक्कन इसको दो। अच्छा मैं इसको चार्ज कर लूंगा कल, ठीक है? फिर हम फोटो अभी नहीं आएगा ना, चार्जर नहीं है ना अभी, फिर इसको चार्ज करके ये इसका नहीं है ना है। और या तो चुप कर जा, मेरे को कर ले अंदर काम। हाँ नहीं इसका, ये किसी और का, ये फोन का है। जी सर मेडिकल इशू है थोड़ा, बट यहाँ पर नहीं मैं वो बताना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, वो सिंपैथी वाला काम हो जाता है कि सिंपैथी के लिए बंदा बोलता है ऐसा। और देव जी अमित भाई याद करके भेज दीजिए लिंक, क्योंकि आपके थोड़ा एक्ट मना कर देते हैं बजाज फाइनेंस के लिए। सर अभी जैसे ये लाइव खत्म करता हूँ ना, आपको फोन नंबर भी भेज दूंगा और आपको व्हाट्सएप पर लिंक भी सेंड कर दूंगा 100 रुपीज का, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, 100 रुपीज मैं आपको रिटर्न दे दूंगा वापस। मामा आप बात तो कर लिए, काम इसको बंद कर दो। क्यों मैं बस हो गया, मैं कर दो ये कालू नहीं
बड़ा बोलता है यार, सच्ची गल देख रहे हो आंखें ऐसे करके ना, जैसे गुस्से में नहीं दिखाते जो आंखें ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। कोई अच्छी सी बात तो सुना दे सबको। ठीक है नहीं चल पहले सुना दे कोई बात। टिट्टी वाली तुम्हारा माला तो तितली उड़ी माला माला थू माला माला थू ये क्या होता है माला माला थू ओके तो माला माला थू सर माला माला थू सुविधा किस प्लेटफॉर्म पे है फोन सेटअप पे माला माला थू हो जाएगा लाइक माला माला थू नहीं इसको नहीं उतारना। क्यों? बंद हो जाएगा वो। कैसे? वो उतारेगा तो बंद हो जाएगा फिर। ये तो ये क्या हाँ बस चुप कर जाओ। टेबल है। हाँ टेबल है। कोई कॉपी यार चुप कर जाना। दुखी कर देता है। सर फाइनेंस का तो पता लगेगा, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो क्रेडिट कार्ड से फाइनेंस हो सकता है। मालूम जी सर कोई भी मूवी की ब्लूरे डिस्क सर आर्चीज गैलरीज वगैरह में जाओगे वहाँ मिल जाती है, ऑनलाइन पता कर देखोगे अगर अमेज़न वगैरह पे तो वहाँ पर भी मूवी मिल जाती है, सीरीज मिल जाती है। हाँ जा दोनों लेके जा इसको जाओ। क्या नहीं अभी तूने बोला है ना जा रहा हूँ मैं। तूने काम खराब करना है। कहाँ जगह मेरे यार पीछे पीठ मेरी तूने ना सारा मेरा हिसाब किताब हिला के रख दिया। कुछ नहीं तो करना तूने, हाथ नहीं लगाना इसको। अरे गलती करती इसको बुला दिया सच्ची में। क्या फोर चुप कर जा तो बस कोई नहीं है। हाँ ये इसको नहीं छेड़ रहा। हाँ ठीक है फोर। अच्छा चुप कर फोर और नहीं दबाना यार। गॉड आजी स्पीकर का साउंड कम कैसे करें, वायर के बीच में है। होगी टाक नहीं हुई। कोई को क्या नहीं चल नहीं रही हो वो भी चल नहीं रही है। स्पीकर का साउंड कम कैसे करें वायर के बीच में। हो गई नहीं हुई सर। कम कैसे करें मतलब स्पीकर का साउंड कैसे कम करें। नीचे चलते हैं आवाज को एम्पलीफायर से आवाज कम कर लो तो कम हो जाएगा। गेम खेली ना मतलब किस लिए आप कहना चाह रहे हैं समझ नहीं पाया मैं। स्पीकर की साउंड कम कैसे करें। लोग बढ़ाने की कहते हैं आप कम करने की कह रहे हो। हां क्या नहीं खेलने दे रहा। चल रही है अभी। अभी वो चल नहीं रही ना। अभी आई भी है यार। क्यों पूरा अपना मुंह बंद कर ले। मैं क्या दे दूँ। दान कर दूँ। मैं तेरे चपेट भी मारूंगा कुत्ते से गंदी बात करेगा। मैं मुंह भी बंद कर दूँ। गंदी बात करता। मुंह देना। नहीं देना। मुंह चलेगा। नहीं देना। नहीं चलेगा। चल रहा। चल रहा मामू। अभी बारी। तू गिर जाएगा यार। आज ही गेम खेलेंगे। उधर पे कहाँ जा रहा है। गेम खेलना। हाँ तो इधर आके खेलना। नहीं आज वो तो गिर जाएगा बाबू। दे दोगे। इधर जा रहे यार तेरे दोनों इसके साथ बैठ जाए यार इधर तो गिर गुर गया ना ये। हाँ मारा। मैं कोई नहीं मारा। कितना गंदा है। मुझे मारता भी मुझे मेरी बारी आज मधु गुरुजी सॉरी फॉर मिलिंग लेट गुरुजी कैन यू यूज आवर मेडलिन स्पीकर एंड एक्टिवेटर फॉर अ डॉल्फी एंड नॉन स्पीकर। सर लेट आए कोई बात नहीं। देर आए दुरुस्त आए आपका स्वागत है।
क्या क्या होता है अभी, यही करना सारा अभी चलना ही है बस। हाँ सर, वो तो कोई कैसा भी स्पीकर, आप टू वे हो, वन वे हो, मोनो हो, मतलब किसी टाइप का हो, कैसा भी हो, उसको कोई भी आप यूज कर सकते हो। देखो डॉल्बी एटमॉस के लिए कोई स्पीकर अलग से नहीं आता, स्पीकर को जो सा सिग्नल पीछे से मिल रहा है उसने उस करंट को वॉइस एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट कर आपको सुनाना है। तो स्पीकर एटमॉस पे लगाना है, अपना एटमॉस चैनल पर लगाना है, फ्रंट चैनल पर लगाना है, इससे कोई फर्क नहीं है। स्पीकर कोई सा भी हो कोई इशू नहीं। हाँ क्वालिटी में सबकी फर्क आता है, बट ऐसा नहीं है कि एटमॉस के लिए स्पीकर अलग होता है तो वो एटमॉस का स्पीकर भी लगेगा वहां पर। वो कंपनी की पॉलिसीज होती है बेचने की अपनी, कि एटमॉस का नाम लेके एक बेच देते हैं, बस वैसा कुछ होता नहीं है। चलो ये क्यों नहीं जा रहा, ये तो अच्छी है नहीं कुछ भाई। अगर आवाज कम करनी है तो उसकी इंपीडेंस को आप बढ़ा दो तो आवाज कम हो जाएगी उसकी वायरिंग। अगर आपका जो भी स्पीकर है आपके पास में टूट गया या क्या है, उसकी इंटरनल वायरिंग जो है उसको चेंज कर दो आप। अगर वो पैरेलल में है तो उसको आप लूप पे कर दो, सीरीज में डाल दो। अगर सीरीज है पैरेलल करके उसको इंपीडेंस को बढ़ा दो उसका। अगर वो 8 ओम के है तो 16 कर दो, आवाज कम हो जाएगी। इसकी अभी मैं कर रहा हूँ ना, फिर ये डिस्टर्ब होता है। बस और तेज नहीं होती यार, लेफ्ट तू सीधा हो के एक जगह बैठ जा, मेरे दर्द हो रही है। वाटर नहीं आ रही, आ रही है बस मुझे तो नहीं आ रही। बबलू जी सर, लेटेस्ट मूवी की डिस्क अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर नहीं मिलती है, इसके अलावा और कहां से परचेज कर सकते हैं या फिर आपके पास मिल जाएगी क्या? सर हमारे पास तो देखो लॉट आता है, उसमें सारी मिक्स होती है, नई पुरानी है, ये वो जो भी है सब कुछ मिक्स में होता है उसके। अभी चली नहीं। और अगर आपने वैसे लेना है तो मार्केट में सर शॉप्स होती है काफी, जो वीडियो गेम्स वगैरह की सीडियां रखते हैं उनके पास भी ब्लूरे मूवीज की सीरीज मिल जाती है। बाकी आपकी कहाँ रहते हो आप उस पर डिपेंड करता है कि वहां पर कहाँ मिलेगी। देव आराम से बैठ जा, तू गिर गया ना नीचे, फिर मतलब तुम्हें ले जाना यार, इसने फिर बैठना नहीं है। जगह ही तो है तो सही, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। थैंक यू सर फॉर द इन्फॉर्मेशन। यू वेलकम सर। चल जा रहे तो जा रहे, मामू जी से मामू जल्दी बार बोल चुका हूँ क्या क्या वीडियो बना सकता हूँ घर पर बैठ कर ही, जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, कुछ उठाना ना पड़े, ऐसा कुछ भी ना करना पड़े, ऐसी वीडियो की सजेशन दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। जो भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं या कुछ सेटिंग्स की है या जो भी है, वैसे कुछ ऑप्शंस जो है वो मुझे बताए हुए लोगों ने तो वो तो बनेंगे ही बनेंगे, जिसमें सबवूफर की सेटिंग्स का है कि कितने भी आपने कितने हर्ट्ज पे रखना है, कितना वॉल्यूम रखना है, ये सब चीजें जो सी है वो बनेगी। एक वीडियो तो ये किसी ने पहले से बोल रखी है। सेकेंड वीडियो है ऑरो 3D के ऊपर, उसका सेटअप कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको इसकी वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा क्या बनाना है वो आप बताओ। शुक्ला जी सर, OTT सर एंड ऑफलाइन हमने सिस्टम मूवी देखने के लिए बजट 20 के का मेरे को शॉर्ट ही नहीं है, 20,000 वाला जो आएगा उसमें चलती है, नहीं चलता OTT प्लेटफॉर्म। बाकी नोनो कहाँ गया? गया नीचे नहीं आ रहा, देखे नोनो लोग ना आ गया, लोग भी आ गया। ले तू गेम खेल ले भाई, मैंने नीचे जाना है। नीचे जाना है तो अभी तेरे को जब मैं बोल रहा था जाने के लिए जा रहा हूँ। वो कहाँ गया?
देख दरवाजा खोल के देख, ये वाला है बार बाथरूम तो नहीं गया, वॉशरूम में देख, नहीं गया बाथरूम में, है चित्तौड़ का राजस्थान सर, यार राजस्थान में तो भाई मेरे को नहीं पता कि कहाँ से मिलेगी, दिल्ली में तो काफ़ी सारी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पर मिल सकती है। आप सर्च करना ब्लू रे डिस्क गूगल में डालो तो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, काफ़ी कई वेबसाइट्स भी हैं ऐसी जो उनसे ब्लू रे डिस्क बेचते हैं, बट अब मेरे को उसको नाम वाम तो नहीं ध्यान मेरे, क्योंकि मैंने कभी ज़्यादा सर्च किया नहीं है, जो हमारे पास में तो लॉट में आ जाता है तो वही कलेक्शन एक हम बनाते रहते हैं अपना बस, बाकी सर्च करके देखो आप गूगल के ऊपर ही आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। चले यार अभी इसको यहीं पर ही समाप्त कर देते हैं आज की लाइव को, क्योंकि बहुत देर से बैठा हुआ हूँ, तो ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जा रहा, मेरे को लेट में फिर आ गया, फिर आ गया वो गया नीचे वो कहाँ है, कहाँ दादू जी के पास छत पे गए, दादू ऊपर है, मैं तो इसको तो बंद कर दिया मैंने, तू भी जा, ऑडियो इज नॉट वेरी क्लियर जी, ज्यादा भी बिल्कुल नहीं है, बता चुका हूँ पहले मैं आपको कि माइक नहीं है मेरे पास में अभी घर पर, तो माइक ले आऊँगा मैं यहाँ पर भी, घर पे भी रख लूँगा लाकर। अंकित जी, अमित भाई 550 बीटी पे डाली और लोकल सेंटर स्पीकर 4 ओम चल सकता है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, 550 बीटी 4 ओम्स को सपोर्ट करता है यार मेरे जहाँ तक मेरे को ध्यान है, तो एक बार आप देख लेना फिर भी, बट मेरे को थोड़ा सा वो है, बाकी 90% तो मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि वो 4 ओम्स को सपोर्ट करता है, बाकी एक बार चेक कर लेना कहीं वो 6 ओम तक ना हो। सर आप तकलीफ में हैं तभी शुक्ला जी, क्या कहा पे सर आप तकलीफ में हैं तभी बोले वीडियो क्यों नहीं आते, ओके ओके, हाँ सर थोड़ा ठीक नहीं है, 2 महीने इससे दिक्कत है थोड़ी सी। गॉनस 8 ओम्स के एम्पलीफायर आउटपुट में एक्टिव सर चल सकता है, सर एम्पलीफायर चाहे 8 ओम से है चाहे कितना भी है उससे कोई लेना देना नहीं है, एक्टिव सब ऊपर तो आपका अलग कनेक्ट होगा वहाँ पर, उसे ओम्स वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, वो प्री आउट से कनेक्ट होना है, स्पीकर टर्मिनल से नहीं होना, और जो इम्पीडेंस होते हैं यानी कि ओम्स जो होते हैं वो हमारे स्पीकर के लिए होते हैं, बट अगर आप वहाँ पर एक्टिव सब ऊपर लगा रहे हो तो उसका ओम्स से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी AVR या एम्पलीफायर जिसमें प्री आउट का ऑप्शन दे रखा है सब ऊपर के लिए आप एक्टिव सब ऊपर कोई भी लगा सकते हो। टेक केयर साहब, शुक्ला जी धन्यवाद। तो यार चलो अभी यार इसको मैं आज यहीं पर ही समाप्त करूंगा, और बाकी अपने सजेशंस कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियोस किसके ऊपर बनाई जाए जो कि घर पर बैठ के बना सकूं मैं, जिसमें मुझे कुछ उठाना ना पड़े या कहीं जाना ना पड़े उस टाइप की, थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद तो वो अपना उसी धंधे में दोबारा से शुरू हो जाएंगे हम, और थोड़ा सा अभी
टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, पता नहीं कितना, बट हो जाएगा शुरू। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये सोच रहा था कि घर पर बैठ के जो काम हो सकता है वो कर। आज मैंने तकरीबन 2 महीने बाद आज जाकर आज सारी फाइल्स मंगवाई हैं और आज सारा स्टडी किया है फाइल्स को कि क्या स्टॉक में है, क्या मंगवाने वाला है, किसका जाना है, किसका आया है, बिलिंग क्या हुई है, आज जाकर चेक किया है। तो अभी भी बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो एक मैसेज पढ़ लेते हैं। ये 6 ohms को ही सपोर्ट करता है, तो भाई फिर 4 ohm का स्पीकर मत लगाना, ये भी गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद उसका देहांत हो जाएगा। शुक्ला जी, सर आपका मेरी अगले रूम लिए घर के लिए, घर में ए वी आर कंपल्सरी है। सर मीडिया प्लेयर आप लगाना चाहते हो, मेरा फेवरेट यार, मेरा फेवरेट तो आप लगाओ तो पॉपकॉर्न आर है, वो काफ़ी अच्छा है, और ओप्पो है, ओप्पो का ज़बरदस्त मीडिया प्लेयर है, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, वो 1.5 lakh rupees के आसपास के। प्री आउट नहीं है सर, स्पीकर आउट है। तो सर स्पीकर आउट है तो उसमें एक्टिव सब ऊपर आपको वो वाला लगाना पड़ेगा जिसमें लाइन इन और लाइन आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, कोई और एक्टिव सब ऊपर आपका उसमें नहीं लगेगा। टेक केयर सर जी, थैंक यू वेरी मच सर। गौरव शर्मा जी, भाई गला खराब है आज। टेक गौरव जी, गला तो ठीक है बाकी बोल बोल के खराब हो गया अभी। तो चलो यार अभी इसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं, फिर से मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में या लाइव में, जैसा भी होगा मिल लूंगा बस आपसे, क्योंकि मेरे से भी नहीं रहा जाता यार टाइम तक बात किए बिना। आज इसीलिए मैं बड़ी हिम्मत के साथ में आके बैठा हूँ और इतनी देर तक बैठा हूँ बड़े टाइम के बाद, 2 महीने बाद आज इतनी देर तक ऐसा बैठा हूँ मैं। तो चलिए अभी इसको करते हैं समाप्त। और ये भी मैसेजेस आ रहे हैं, अमर वर्मा जी का है, अमित जी टागा हर मनी सुटेबल फॉर पॉइंट दिस और बिलो चॉइस ऑल PS10 व्हाट इज दिस PS10 सर, PSW आई थिंक आप बोल रहे होंगे। तो टी सर पॉक ऑडियो ही ले लोगे तो ज़्यादा है, एक अच्छा ब्रांड है। शुक्ला जी गुड नाइट ऑल, गुड नाइट शुक्ला जी। चलो यार आपके सजेशंस अगर कोई हो वीडियोस बनाने के लिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, चाहे इंस्टाग्राम पर करिएगा चाहे यहाँ पर करिएगा। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, और चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और क्या बोलते थे, मैं तो ये भी भूल गया क्या क्या बोलना होता था। तो चलो यार अभी फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, और जाते जाते हमेशा की तरह आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद दोस्तों, और अपने सजेशंस दे देना। अरे हो जाए यार।